हेलो एवरीवन, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि पहले ही क्या करना है। सो हम पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फीचर्स जो है वो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप गूगल पे डाउनलोड करके इसका जो भी मोड वर्जन जो भी है कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे ओपन कर लेता है, जिसका नाम है वॉक बैंड, जो आपको दिख रहा होगा। सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। सो ऐसा कुछ आप लोगों को दिखेगा। अगर आपको कोई गाना सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नया म्यूज़िक बनाना है तो ये दिख रहे हैं आप मल्टी ट्रैक सिंग, ये आपको इस पर ओके करना है। और यहाँ पे आपको क्रिएट फ्रॉम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपका जो रिकॉर्डिंग वगैरह है। नहीं तो आप न्यू सॉन्ग पे क्लिक करिएगा, और सॉन्ग का कोई भी टाइटल है तो यहाँ ऊपर से आप दे सकते हैं। कोई भी मुझे अभी नहीं देना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद मैं देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके ओके करने के बाद मुझे पहले एक क्या करना है, मुझे ऑडियो पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ बस आप लोग को दिखाने के लिए। सो मैं यहाँ ऑडियो पे आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे एक गाना रिकॉर्ड करता हूँ, जस्ट सिंपल सा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सो मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। सो मैं इसे अब बैक करता हूँ, तो अपने यहाँ भी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और मुझे अभी अब यहाँ पे जाना है प्लस के आइकन पे। अब मैं यहाँ पे जाके इस पर ऐड करूँगा ड्रम। आप ड्रम किट भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप ड्रम पैड भी है, तो मैं ड्रम पैड यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पे कुछ आप देखिए, पहले तो आपको ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन जो रेड दिख रहा है उसे आपको ओके करना होगा, तब आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो मैं अभी अब जितना भी आवाज़ करिए कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका बस ये सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर नहीं, ये जो ऐप का जो साउंड है वही रिकॉर्ड करेगा। तो सुनते हैं, मैं यहाँ पे ड्रम ऐड करने की कोशिश करता हूँ। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो ये रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको फिर से बैक बटन पर क्लिक करना होगा। सेव करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक सेव हो सकता है। हो सकता है नहीं, मतलब होगा ही सेव आपका। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे गिटार के सेक्शन में। आप कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं, तो मुझे गिटार अच्छा लगता है तो मैं गिटार ऐड करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो कॉर्ड्स वगैरह है वह मैंने यहाँ पे लिख लिया था, मतलब ऐड कर लिया था। अगर आपको कॉर्ड वगैरह ऐड करना है तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप कॉर्ड वगैरह, जैसे कि मुझे अभी एफ़ चाहिए तो मैं एफ़ पर क्लिक करूँगा, जो कॉर्ड है ऊपर वाला वो सेलेक्ट करके, प्लस वाला आइकन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो मैं अभी यहाँ पे मार्क करके दिखा दूँगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे ऐसे रहने दूँगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ ई, देखिए ये कॉर्ड वगैरह। तो यहाँ से आप गिटार का कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मोर वाले ऑप्शन पे जाके और भी गिटार का जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यही करूँगा। आपको सॉस जो ऑप्शन है उसे इनेबल करने का है, और आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सो फाइनली हमारा जो सॉन्ग है अभी कैसा बन रहा है मैं आपको सुनाऊंगा एक बार, तो आप ये सुनिएगा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सो फाइनली इतना ही था। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। अब मैं आपको लास्ट जाने से पहले सिखा दूँगा कि यहाँ से सेव कैसे करना है। बेसिकली बैक करना है, बैक करने के बाद आपको आएगा सेव एडिटिंग, आपको वहाँ पे क्लिक करना है ओके पे। सो आपको अगर यहाँ ये जो सॉन्ग है वो उसे सेव करना है तो आपको यहाँ पे जाना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो MP3 वाला ऑप्शन दिख रहा है वही जो आपका सॉन्ग रिकॉर्ड किया है वहाँ पे MP3 दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ऐसा मिक्सिंग वगैरह आएगा और आपका जो है ये जो है आपका सेव हो चुका है, कहाँ पर आपका गैलरी पर सेव हो चुका है।
सो थैंक यू आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा ये तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और हाँ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसका पार्ट टू भी चाहिए ट्यूटोरियल तो मुझे आप कमेंट करिएगा। ये रैप सॉन्ग वगैरह बनाने के सबसे बेस्ट है, और आप नॉर्मल से कवर सॉन्ग भी बनाते तब भी इसके लिए बेस्ट है। सो थैंक यू एवरीवन।